एक दिन बोला था कि फांसी खाकर मर जाएगा, फांसी खाकर मर जाए। हाँ तो फिर तो रास्ता निकल जाएगा आपका, क्या है चले जाएंगे पत जाएगा। और तो दादा, मेरा नाम सिद्धराज सिंह है। अच्छा। हम सर्वसम्मत फाउंडेशन के हमारी संस्था चलाते हैं, आप जैसे लोगों के लिए छोटी मोटी मदद करके आपको सपोर्ट करते हैं। और क्या नाम है आपका? छोटे लाल सिलोचन। अच्छा, दादी का नाम सिलोचन है, मेरा नाम छोटे लाल है। दादी का नाम? दादी का नाम जस्सी बहन छोटे लाल। हाँ, क्या तकलीफ थी? तो यहाँ से एक भाई का फोन आया था। वो तकलीफ यही है कि जो खाने पीने का तकलीफ होता है, लाइट बिल का है, बाटले का है, ये सब झंझट है, प्रॉब्लम है, कोई देखता नहीं है हम लोग को क्या करेंगे। अब मैं तो एक दिन बोला था कि फांसी खाकर मर जाएगा, फांसी खाकर मर जाए। हाँ तो फिर रास्ता निकल जाएगा आपका, क्या है चले जाएंगे पत जाएगा और क्या करेंगे, उससे थोड़ी रास्ता निकलेगा। उसी लाल भाई ने समझाया कि ये ऐसा मत करो, फांसी खाने से थोड़ी मर जाने से थोड़ी कोई रास्ता निकलेगा, कोई रास्ता ना निकला तो क्या करेंगे, फुटपाथ पर रहेंगे, झोपड़ा बांध के इसको बेच देंगे, खाएंगे तो और क्या रास्ता है, और कोई मदद तो करने वाला है नहीं। तो आज हम मदद करने के लिए आए हैं आपकी। ठीक है, छोटी मोटी ठीक है, जो भी आपसे बने तो मदद करिएगा। तो पैर में क्या तकलीफ है दादा? पैर में नस पकड़ा रही है, ये सब दुख रहा है, ये सब चलने में तकलीफ पड़ रहा है। और दादी को भी तकलीफ है? दादी को तो लकवा मार दिया था, तो कैसे कैसे थोड़ा पैसा पड़ा था, तो 12,000 का दवा दाखिल किया था, तो तत्कालिक में 3 बार सीढ़ी पर से गिर गई। इनको भी डायबिटीज है, मेरे को भी डायबिटीज है। होगा होगा वादा, ये म्यूनसिपालिटी में से दवा ला के खाते हैं, देखिए डायबिटीज का दवा। झाड़ू झाड़ू निवरे निवरे झाड़ू बाड़ू बैठ बैठ के घुसुक घुसुक के मार लेता हूँ, इनके भरोसे भी नहीं छोड़ता हूँ। सही बात, ये 2-3 बार तो गिर गई है। तो अभी आपका लड़का लड़की है? लड़की है, लेकिन लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा हाँ। लड़का एक ही था, 3 छोकरी है, मेरी वाइफ भी गुजर गई, ये नई औरत है मेरी, बराबर आपके सामने है, देखिए एक ही लड़का था, वो गुजर गया, किडनी खराब हो गई, सिविल में मर गया, रात को 1:30 बजे लेके आया था, उसका तारीख जन्म दिन वो सब वहाँ लिखेला है सर, हम पढ़ेला नहीं है। और आपकी पहली बीवी थी, उनको क्या हुआ था? उनको सांस की बीमारी थी, उनका दाखला बाखला पड़ा है सब, फोटो वोटो अभी अंदर ही रखा हुआ है, कभी ज़रूरत पड़े तो कहाँ जाएंगे, बिक दूंगा तो। सही बात, तो इसके लिए रखा हुआ है। मतलब अभी आपका जो जीवन है तो संघर्ष भरा है, और छोटा मोटा काम करके आप अपना घर गुजारा चला रहे हैं। तो अभी आपका जो ये मकान है, आप जो रह रहे हैं, तो खुद का है? हाँ ये खुद का है सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे कोई चीज़ का, खुद का है, भाड़े का कहाँ से भरेगा। अच्छा, 4,000 भाड़ा चल रहा है, कहाँ से भरूंगा। तो आपको अभी खाने पीने में तकलीफ पड़ रही? खाली खाने पीने का तकलीफ है सर। अच्छा, और कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, तो हम आपको 2-3 महीने के लिए राशन पानी की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, करिए तो आपको अच्छा है। और दवाई का जो भी है, तो आपको सरकारी दवा लाते हो? मैं तो सरकारी लाता हूँ सर, ये तो सब सरकारी। बाहर से कोई दवा लाते हो तो लाना हो तो हम ला देंगे आपको, बाहर की कोई दवा? नहीं, बाहर का तो कोई दवा नहीं लाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे सर। ना पहले बाहर का लाता था, तो फिर देखा कि पैसा अब कम पड़ने लगा, घर में खींच पड़ेगा, तो बाहर से मैंने बंद कर दिया, बाहर बहुत महंगा दवा मिल रहा है। तो अभी दादा आप सरकारी दवा लाते हो ना? हाँ सरकारी दवा लाता हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो अभी हम आपको राशन पानी की छोटी मोटी मदद कर रहे हैं, और
भविष्य में कोई वीडियो के माध्यम से और किसी के माध्यम से हमको सपोर्ट मिलेगा तो और आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक, हमारा उद्देश्य यही है कि आप जैसे लोगों को छोटी मोटी हम मदद कर सके, और ये वीडियो के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं कि आप जैसे लोग, कई लोग हैं जो मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करके अपना जीवन बिताते हैं, बहुत सारी तकलीफ भी पड़ती है अभी, और कोरोना जैसी बीमारी थी तब भी सब, अभी धंधा पानी भी नहीं है, बहुत सारी तकलीफ भी पड़ रही है, तो आप नौकरी, बात आपकी जाए, हाँ तो आप भी नौकरी करते थे पहले? पहले नौकरी करता था, तभी तो सब घर का लिया ओढ़ हो जाता था भगवती फाउंड्री में। तो अभी बंद हो गया नौकरी? वो तो आज 20 साल हो गया, बंद हो गई कंपनी, फॉरेन की कंपनी थी, और जो फंड सर्विस आया वो 3 छोकरियों को पटेल में शादी कर दिया, मैसाना। 3 लड़की थी? हाँ 3 लड़की, तीनों की शादी हो गई, लड़का मर गया। हाँ लड़का मर गया, मेरी वाइफ मर गई। अच्छा कुछ नहीं दादा, आपको वो तो परिवार का मामला है, पर हमारा जो भी है कहना मतलब है यही है कि आप मेहनत करना जानते हो, अभी भी आप छोटी मोटी मेहनत करके अपना घर परिवार चलाते हो, तो हम आपको राशन पानी की मदद करते हैं। ठीक है, हम आते राशन पानी लेके। दादा ये 2 महीने की राशन किट है। अच्छा, 2 से 3 महीना आप लोग, 2 लोग रहे तो आपको 2-3 महीना चलेगा। हाँ, और आगे कुछ हेल्प की जरूरत चाहिए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, वो जितेश भाई ने फ़ोन किया था उनके पास हमारा नंबर भी है। हाँ, फ़ोन करना। हाँ, तो जिन्होंने मदद की उन्होंने अपना नाम देने से मना किया है। अच्छा, राम भरोसे मतलब कि भगवान के भरोसे उन्होंने भेजा है। तो ये वीडियो के माध्यम से हमारी टीम को आशीर्वाद दीजिए और उन लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए कि आप जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और आप जैसे लोगों के लिए हमको भी सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट मतलब क्या मैं बोलूँ, आप बताइए बोलूँ। आपका आभार है मेरे ऊपर, जो भाई ने कराया उनका आभार है। आप लोग को मालिक सुखी रखे, बस 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 आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, आपको भी भगवान सुखी रखे और भाई साहब को भी सुखी रखे बस, और बस। आपका जो ये संस्था चल रही है वो भी भगवान राजी रखे, बस आशीर्वाद दीजिए। और कई लोगों, ऐसे लोगों तक हम पहुँचे कि जिनको ज़रूरत है। हाँ हाँ, आप जहाँ भी पहुँचिए, जिनको ज़रूरत है उनको मदद करिए आप, बस हमारे जैसे आदमी को, तो आपको पूर्ण प्रताप मिले। ठीक है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि दादा को पैर में भी तकलीफ है, दादी को भी पैर में तकलीफ है, और खाने पीने की अभी उनको ज़्यादा तकलीफ पड़ रही है। उनके समय में उन्होंने काम काज करके, मजूरी काम करके ये घर उन्होंने बना दिया। 3 लड़की थी उनकी, उनकी भी शादी हो गई है, और एक लड़का था वो, उसकी किडनी में कुछ तकलीफ थी तो एक्सपायर हो गया है। उनके पहले वाइफ थे, उनको भी सांस की तकलीफ थी तो वो भी एक्सपायर हो गया है, और अभी उन्होंने दूसरी शादी की थी, बहुत साल पहले की बात है। अभी उम्र के हिसाब से दोनों को कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब कि वो कुछ काम करने के लिए उनके पाँव मतलब कि शरीर सपोर्ट नहीं दे रहा है, मतलब तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ पड़ रही है खाने पीने में। तो यहाँ से एक भाई का फ़ोन आया था हमारा वीडियो देख के, तो हम इनको मदद करने के लिए आए। तो ऐसे लोगों को हमारी छोटी सी मदद करने से, छोटे से सपोर्ट से उनको कुछ ना कुछ हिम्मत मिलती है और जीने के लिए, और उनको हिम्मत भी मिलती है। तो बस दोस्तों हमारा हिस्सा ही उद्देश्य है ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे, खास करके पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ सपोर्ट से, और आप जैसे लोगों को साथ सपोर्ट से ये हमारा सेवा यज्ञ चल रहा है। तो बस साथ सपोर्ट देते रहिए, ये हमारा पूरा वीडियो आप हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है सर्वसम्मत फाउंडेशन, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।